प्रयागराज जनपद के विकास खंड जसरा अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय अमरेहा का है, जहां पर एक गरीब महिला अपनी पुत्री हर्षिता 6 वर्ष को प्राथमिक विद्यालय अमरेहा में प्रवेश दिलाने के लिए करीब 2 वर्षों से विद्यालय के चक्कर लगा रही है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा उसे कहा गया कि हमारे विद्यालय में जगह नहीं है, हम आपके बच्चे का एडमिशन नहीं कर सकते। महिला अपनी बच्ची के एडमिशन के लिए दर दर भटक रही है। बच्ची के एडमिशन के लिए महिला अपने ग्राम प्रधान अमरेहा के पास गई, उनसे अपनी बच्ची के एडमिशन के लिए गुहार लगाई। जब प्रधान ने प्रधानाध्यापक से बच्ची के एडमिशन के लिए कहा तो प्रधानाध्यापक द्वारा वही जवाब दिया गया कि हमारे विद्यालय में जगह नहीं है, किसी दूसरे विद्यालय में जाकर एडमिशन करा लो। जब इसके बारे में प्रधानाध्यापक से फोन पर बात की गई तो प्रधानाध्यापक द्वारा गोल मटोल जवाब देते हुए कहा गया कि महिला अपने बच्चे का एडमिशन 1 महीने के लिए कराती है, उसके बाद बच्ची को विद्यालय नहीं भेजती। फिर कहती है कि TC लेकर आए तो मैं एडमिशन कर लूंगा। फिर कहती है कि महिला हमारे विद्यालय में कभी नहीं आई, हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। एक तरफ सरकार का दावा है कि सब पढ़े सब बढ़े, लेकिन सरकार का यह दावा फेल होता नजर आ रहा है। प्रयागराज से अजय पांडे की रिपोर्ट, प्राइमिटी न्यूज। सर, हम 2 साल से बच्चे से लिए परेशान है, नाम लिखवाने के लिए एडमिशन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? पर साल भी दौड़े, आपके साल भी दौड़ रहे हैं, किस लिए नहीं हो रहा है? हम ये चाहते हैं कि अगर बच्चों का नाम नहीं लिखा गया तो कुछ भी नहीं होगा। तो आप प्राथमिक पाठशाला गई? हाँ, हम गए थे वहाँ पे। तो क्या कहा गया? हम भी गए थे मगर कुछ हुआ, जगह नहीं निकला। वहाँ कहते हैं जगह खाली नहीं है। इसकी लिखित शिकायत कहीं आपने किया है? हाँ, हम गए थे, प्रधान के भी पास गए थे, उनके भाई के पास गए थे, बात किए हैं, तो भी बोले थे कि जाओ नाम लिखा जाएगा। फिर हमारे पति गए तो कहे कि हाँ जगह नहीं खाली है। कौन कहा जगह नहीं खाली है? मास्टर ने कहा था। आपका नाम? मेरा नाम गायत्री है। गांव? अमरेहा।